सागर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र में 33 केवी लाइन की चपेट में आने से एक युवक समेत उसका घोड़ा मृत्यु का शिकार हो गया। इस घटना के बाद गुरुवार को परिवार वालों ने घटनाक्रम के विरोध और मुआवजे की मांग को लेकर सागर नरसिंहपुर हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद देवरी एसडीओपी पूजा शर्मा, बिजली कंपनी की एई सुबुद्धि चढ़ार मौके पर पहुंची और परिवार वालों को समझाइश दी गई। मामले को शांत कराया गया है। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की भी लंबी कतार लग गई थी। बताया जा रहा है कि पनारी निवासी लखनलाल बंसल बुधवार शाम घोड़ा बग्गी लेकर शादी समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान पनारी तिराहा महाराजपुर शांतिनगर के पास से निकली 33 किलोवाट की लाइन की चपेट में घोड़ा बग्गी आ गया और इससे बग्गी में करंट फैल गया। करंट की चपेट में आने से घोड़ा और लखनलाल दोनों की मौत हो गई। हमारे भैया दुर्घटना हो गई, घोड़ा खत्म हो गया, दो जाने चली गई और दो अभी भर्ती है बच्चे। कैसे घटना हुई इनकी? एमपीवी की लाइन नीचे है सर, 10 फीट लापरवाही, बड़ी लाइन, बड़ी लाइन 11,000 की। तो अब क्या मांग है आप लोगों की? अब यही मांग है सर के अब उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी व्यवस्था की जाए और एमपीवी वालों पे ठेकेदार पे कार्रवाई की जाए। तो आप जैसे इनके परिजन लोग हैं उनके लिए कोई मांग कर रहे हैं? परन को और कौन करेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मांग ये है कि आज हमारी पर रोड की जो लाइन है ना, मेन लाइन, ठेकेदार द्वारा उसकी वो इंसुलेटर नहीं लगेगा तो वह लाइन नीची नीची लाइन होने के बाद अगर जिन निकले कल यहाँ से तो घटना घट गई, अगर ऊंची लाइन होती तो ये घटना घटती नहीं। तो हमारी मांग जो है,